जनपद फतेहपुर में एक बार फिर मौसम के बदले मिजाज से लगातार 36 घंटों से जारी बरसात में किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे खेतों में खड़ी सरसों, चना, मसूर, मूंग, अरहर सहित अन्य फसलों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिससे किसानों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। जनपद फतेहपुर के किसान अपनी अच्छी फसल देखकर काफी खुश थे कि अचानक मौसम की बेरुखी ने उनकी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। लगातार हो रही बारिश से जहां उनकी आलू की फसल में भी काफी नुकसान हुआ, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से सरसों, चना समेत अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा। तो वहीं टमाटर कृषक राम सिंह पटेल ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से उनकी टमाटर की फसलों को भी काफी नुकसान और उन्हें बाजार में अपनी फसल के उचित दाम न मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जनपद में हो रही रिमझिम बारिश से हुए नुकसान, जनपद के विभिन्न गाँव में सरसों, आलू समेत अन्य फसलों का भी नुकसान हुआ। दिन से पानी गिर रहा है, न बंद हो रहा है, पूरी की पूरी फसलें जो है बर्बाद हो गई है। पूरे खेतवा में आलू के पानी भर गया है। अब उमक पैदावार तो हो ही ना, छरी छरी निकली हैं, ना बाजार में भाव मिली, ना पैदावार मिली। अब एक जोत के दूसर फसल लगावे पड़ी। आई से गेहूं में नुकसान हुई गुआ और चना पूरा खराब हुई गुआ। तो इससे कई फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, जैसे सबसे अधिक टमाटर में नुकसान हुआ है, जैसे जो ज़्यादा नमी की वजह से सब मान के लिए 50% से 60% तक फल सड़ गया, तो इससे ये नुकसान हो गया। जैसे आलू है, ज़्यादा जो पकी हुई आलू पे ज़्यादा बरसात पानी भर गया, उसमें नुकसान हो गया है। जैसे सब्जी वाली भरी मटर थी, उसमें नुकसान हुआ है, और चने का नुकसान हुआ है। खड़ी फसलें जो जैसे सरसों, गेहूं छोड़ के अन्य फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। असल बात तो जो बेमौसम बारिश हुई, ये बहुत अधिक मात्रा में बरसात हो गई, इससे जो है किसानों को बहुत नुकसान। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। कानपुर में बड़ी धूमधाम से हर स्कूल व कॉलेज व मदरसे व देवस्थान पर गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया, जहां पर आरडी बालिका विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अजय मोहन शुक्ला के संरक्षण में यह गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। इसके साथ ही तहसीलदार अवनीश कुमार रत्निका श्रीवास्तव, कौशल अवस्थी नंदकिशोर शुक्ला, डॉक्टर रहमान, योगेश शुक्ला आदि उपस्थित रहे। तहसीलदार अवनीश कुमार एवं अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष डॉक्टर रहमान के द्वारा तिरंगा यात्रा झांकी को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अफाक की रिपोर्ट, कानपुर। जनपद ललितपुर की तहसील मढ़ावरा के तहसील कार्यालय समेत ब्लॉक कार्यालय एवं सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में बड़ी धूमधाम से एवं शान शौकत के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। इसके साथ ही तहसील कार्यालय मढ़ावरा कार्यालय में ध्वजारोहण उप जिलाधिकारी कृष्ण कुमार सिंह द्वारा किया गया, साथ ही मढ़ावरा पुलिस बल के साथ सलामी दी गई। वहीं ध्वजारोहण के बाद उप जिलाधिकारी कृष्ण कुमार द्वारा सभी तहसील के अधिकारी एवं कर्मचारियों को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में तहसीलदार सौरभ पांडे, पेशगार उमेद, कानूनगो जीवा राम, कालू राम, सदर लेखपाल अखिलेश कुमार समेत तहसील अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही खंड विकास कार्यालय में ध्वजारोहण ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप मडावरा रावत एवं वन क्षेत्र कार्यालय में वन क्षेत्राधिकारी MI खान द्वारा किया गया। वहीं सभी जगह ध्वजारोहण के तत्पश्चात राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी गई। वहीं कस्बे के मदर्स प्राइड कॉन्वेंट स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि वन क्षेत्राधिकारी मडावरा MI खान एवं SSR ग्रुप संस्थापक सुशील सोनी द्वारा सांस्कृतिक मंच का फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत, देशभक्ति गीत, भाषण एवं नाटक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। विद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथियों एवं पत्रकारों का बेज लगाकर सम्मान किया गया। स्कूली छात्राओं की शानदार प्रस्तुति ने उपस्थित सभी अतिथियों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से NN मंसूरी, लक्ष्मी नारायण राय, राजेश कर्धव, विवेक पाठक समेत शिक्षक एवं शिक्षिकाएं समेत गणमान्य नागरिक भी मौजूद है। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित अतिथियों का आभार प्रबंधक विक्रम प्रताप सिंह द्वारा किया गया। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, निष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी सभा में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, ललितपुर। कतरवीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीणा वादनी शिशु ज्ञान मंदिर शुभानपुर बिल्हौर में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रस्तुत किए गए। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार के द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया गया और तिरंगे को सलामी देकर देश के शहीदों व वीरों की यादों को ताजा किया गया। तो वहीं प्रधानाचार्य ने बच्चों को भारत के संविधान के विषय में जानकारी दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आई बिल्हौर विधानसभा की सभा नेत्री रत्ना सिंह ने बच्चों को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य व स्कूल स्टाफ ने बिल्हौर विधानसभा की सभा नेत्री रचना सिंह व आए हुए अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अफाक की रिपोर्ट, कानपुर। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला टापा खुद में संदिग्ध परिस्थितियों में सिरसागंज से रिश्तेदारी में आई युवती को लगी गोली, जिसमें गोलीकांड के बाद परिजन युवती को लेकर मौके से ही फरार हो गए। तो वहीं एसएसपी फिरोजाबाद सचिंद्र पटेल ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एसएसपी फिरोजाबाद ने कहा कि युवती को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति द्वारा घटना की जानकारी दी गई थी कि घटना गंभीर है, कमरे में भी खून मिला है, तो वहीं सभी परिजन फरार हैं। युवती को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद ही घटना का सही आकलन हो पाएगा। सर, एक लड़की हत्या हुई है, किस तरह का पूरा मामला इसमें सामने आया है? देखिए, अभी एक सूचना प्राप्त हुई है उत्तर थाना क्षेत्र की टापा खुर्द, ये मोहल्ला पड़ता है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया कि एक मकान है, ये कमरा है, जिसमें किसी लड़की को गोली लगी है और उसके परिजन और पड़ोस के लोग उसको यहाँ से लेके चले गए हैं। अभी उस लड़की का भी ट्रेस नहीं हो पाया है कि वो लड़की को लेके परिजन कहाँ गए हैं और उसकी क्या स्थिति है, और पूरी घटनाक्रम में जो मौके पर साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर कमरे में ब्लड वगैरह है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक गंभीर घटना यहाँ पर हुई है। लड़की को हम लोग अभी ट्रेस करा रहे हैं, परिजनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अभी घर से फरार हैं यहाँ से, तो जैसे ही उनको हम लोग ट्रेस आउट कर लेंगे तो पूरा घटना का विवरण निकल के आएगा सामने। ये पता चल पाया किसने गोली मारी और कौन? अभी देखिए, अभी तो ये भी नहीं पता है कि लड़की को चोट कहाँ लगी, उसके साथ क्या घटना हुई है। लड़की को हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, संभवतः सिरसागंज की वो बताई जा रही है और अपने उसके परिजन भी साथ में है उसके, तो अभी हम लोग ट्रेस करा रहे हैं, जैसे ही उनका ट्रेस आउट होगा तो पूरा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। कस्बा लालगंज में चौकी प्रभारी अजय मिश्रा पूरी पुलिस टीम के साथ हटवाया गया अतिक्रमण। आपको बता दें कि कोतवाली लालगंज के गुरबख्शगंज चौराहा से होते हुए पानी की टंकी चौराहा बाईपास रोड गांधी चौराहा तक आए दिन जाम लगता रहता था, जिसके चलते राहगीरों और पब्लिक में भी काफी आक्रोश फैला रहता था और आने जाने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन कोतवाली लालगंज के कस्बा पुलिस चौकी गुरबख्शगंज चौराहा के तेज तर्रार पुलिस चौकी प्रभारी अभय कुमार मिश्रा, दीवान संतोष कुमार पूरे पुलिस बल के साथ लालगंज के हर एक कोने पर नजर रखते हुए अपराधियों को भी ध्यान में रखते हुए चिन्हित किया और सभी दुकानदारों को अनाउंस के माध्यम से सूचित कर दिया कि सभी लोग अपने हाथों से अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जुर्माना काटकर दंडित करेगी। तभी वहां के व्यवसायी और दुकानदारों में खलबली मची हुई और सनसनी का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। तो वहीं सभी लोगों ने चौकी प्रभारी का आदेश का पालन करते हुए अपने अपनी दुकानें अंदर कर ली। वहीं सड़क को साफ सुथरा कर अतिक्रमण हटवाने में भी सहयोग किया, यहाँ तक कि खुद चौराहे पर जाम लगने लगता है तो कस्बा चौकी प्रभारी अजय मिश्रा खुद उठकर पुलिस टीम के साथ जाम हटवाने का कार्य करते, जिसके चलते जनता में भी काफी खुशी का माहौल देखा गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सत्येंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट, रायबरेली।